फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ अपना ज्वेलरी कलेक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले ये चोकर है और ये मैंने करोल बाग दिल्ली से ख़रीदा था। ये बहुत सुंदर लगता है। वैसे तो मैंने अभी तक ये पहना नहीं है। और इसके साथ एयरिंग और मांग टीका मिला था। एयरिंग तो मैं नहीं पहनती हूँ क्योंकि ज़्यादा बड़े नहीं थे, तो अभी मेरे पास नहीं है, मिस हो गए हैं। बट मैं इसका आपको मांग टीका पहन के दिखाती हूँ। और ये देखिए, और इसका प्राइस है 100 रुपीज़। जी हाँ, 100 रुपये में मैंने ये सेट ख़रीदा था और ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। अभी तक मौका नहीं लगा मुझे इसको पहनने का। और इसके बाद है ये नेकलेस। ये मैंने नोएडा गाजियाबाद से ख़रीदा था और ये बहुत सुंदर लगता है कुर्ती में, सूट में। और इसका भी प्राइस है 100 रुपीज़। और बहुत ज़्यादा यूनिक है ये। आप बताइएगा आपको इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा पसंद आया है। और इसके बाद है मेरा ये नेकलेस। इसमें स्टोन लगे हुए हैं और इसके साथ भी इयररिंग थे, बट मांग टीका नहीं था। लेकिन इयररिंग इसके बहुत छोटे थे तो मैंने बहुत ढूंढे पर मुझे मिले नहीं। और इसका भी प्राइस है 100 रुपीज़, जो कि मैंने करोल बाग दिल्ली से ख़रीदा है। उसके बाद है ये चोकर और ये पिंक कलर का है। और इसके साथ ही है ये रानी हार लंबा सा। और इसे मैंने अपनी सगाई के दिन पहना था। ये मैंने ख़रीदा है सदर मार्केट दिल्ली से। और इसके साथ ये मांग टीका है जो कि बहुत सुंदर लगता है पहनने के बाद। ये देखिए, और ये इयररिंग है। और इयररिंग नहीं पहन रही हूँ मैं अभी इसके, क्योंकि अभी जो मैंने इयररिंग पहने हैं ना, वो स्क्रू वाले हैं, तो थोड़ा पहनने और उतारने में दिक्कत होती है। तो ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ये मांग टीका पहन के। और पता है इसका प्राइस क्या है? 450 रुपीज़। जी हाँ, 450 रुपये का ये मैंने सेट लिया था। और उसके बाद है ये कमर छल्ला। ये मैंने अभी तक नहीं यूज़ किया है। मेरी ज़्यादातर ज्वेलरी जो है मैंने नहीं पहनी है, क्योंकि आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो होती है हम शादी में पहनते हैं, और लॉकडाउन के टाइम पे कोई शादी पड़ी नहीं, तो मैं चाह नहीं पाई। और एक ये चोकर मैं दिखा रही थी, ये दिखाते दिखाते ही टूट गया। इसे मैंने मेरे मेहंदी के फंक्शन में पहना था और ये 100 रुपीज़ का था। और ये भी मैंने करोल बाग से ही ख़रीदा था। उसके बाद है ये ग्रीन सेट। और इसमें ग्रीन कलर के स्टोन हैं और वाइट कलर के। और ऑब्वियसली इतना हैवी है तो ये ब्राइडल सेट ही है, जिसे मैंने अपनी शादी के टाइम पे पहना था, वरमाला जब हुई थी तब। और इसके साथ है एक रानी हार, मांग टीका, इयररिंग, सुन्नत और हाथ के। तो ये बहुत सुंदर लगता है। और इसे मैं ना बाद में अपनी साड़ी के ऊपर भी पहन सकती हूँ, जैसे रेड कलर की साड़ी हो गई, ग्रीन कलर की, जिसके साथ मैच करेगा उसके साथ पहन सकती हूँ, सिर्फ गले का। और इयररिंग्स भी इसके बहुत सुंदर हैं, उसे भी सिर्फ साड़ी या सूट में हम पहन सकते हैं। ये देखिए, पहले मैं सोच रही थी जब मैंने ख़रीदा था कि ये शादी के बाद तो काम ही नहीं आएगा क्योंकि ये इतना हैवी है, लेकिन हम एक एक पीस भी पहन सकते हैं। जैसे कभी इयररिंग्स पहन लिए किसी के ऊपर, ये नेकलेस पहन लिया और रानी हार पहन लिया, तो ये यूज़ हो जाएगा। और पता है, इस टाइप का जो सेट आता था, जो मेरा होम टाउन है अल्मोड़ा, वहाँ पर इस टाइप का सेट 1500 से 2000 का मिलता था, वो भी रेंट पे। और ये ज्वेलरी मैंने ख़रीदी थी 2500 रुपये की। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी और वर्थ इट है ये। ऐसे आपको ख़रीद लेना चाहिए, अगर शादी होती है तो किराए पे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये आगे भी काम आती है। और ये बहुत सुंदर से इयररिंग है इसके। और ये देखिए, ये साइड में पहनने वाला होता है, ये तो नहीं पहना था तो, लेकिन लग पड़ा सुंदर रहा था। ये देखिए, कभी पहनूंगी, कभी मैं कोई ऐसा लुक क्रिएट करूंगी ना, तब मैं इसका यूज़ ज़रूर करूंगी। बहुत सुंदर लग रहा है ये देखिए। और
अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और ये देखिए, ये आ गया है रानी हार, तो इस रानी हार को भी हम पहन सकते हैं किसी साड़ी के ऊपर, बहुत सुंदर लगेगा। और ये हाथ पे पहनने वाला है, तो ये तो मुझे नहीं लगता कभी यूज़ होगा, और ये अभी पहना भी नहीं जा रहा है क्योंकि अकेले से ना इसमें जो हुक होते हैं वो नहीं लगाए जाते हैं, तो इसे मैं सिर्फ ऊपर ऊपर से ही दिखा दे रही हूँ, पहना तो नहीं जा रहा है ये, लेकिन लग बहुत सुंदर रहा था। और शादी के टाइम पे जब मैंने पहनी थी ना तो एकदम से लुक ही चेंज हो जाता है ऐसी ज्वेलरी पहनते हो भाई भी। और ये नथ है, ये मैंने आपको नोज रिंग कलेक्शन में भी आप दिखाई थी, और थोड़ी बहुत मेरी जो ओरिजिनल गोल्ड की नथ है उससे मिलती जुलती है। और ये इसका मांग टीका है, और मेरी मिश्री बगल में बैठी हुई थी, खेल रही थी खिलौनों से और मुझे भी देख रही थी कि मम्मी आज क्या कर रही है, और आवाज़ निकाल रही थी। और ये देखिए आ गई धीरे धीरे करके, मैंने उसको दूर बिठाया था और धीरे धीरे करके मेरे पास आ गई कि ये क्या है चमकने वाला। कई बार मेरी ज्वेलरी ऐसे ले ली तो आ गई है देखो, और वैसे खेलती रहती है लेकिन इस टाइम पे अपने खिलौने छोड़ के मेरे पास आ जा रही थी बार बार, और उसे बड़ा अच्छा लग रहा था मुझे देखना, खुश हो रही थी, ताली बजा रही थी। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी कहीं अच्छा लगा है ना तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और ये देखिए फिर से आ गई है मिश्री, और ये एक बार नहीं चार पांच बार आई, तो मैंने सोचा चलो आपको भी दिखा दो कि मैं कैसे वीडियो शूट करती हूँ और मिश्री मेरे पास आ जाती है। और बच्चों के साथ कितना डिफ़िकल्ट हो जाता है ना कुछ करना, कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो ये देखिए बहुत सुंदर लग रहा था ये, तो ये था मेरा ज्वेलरी कलेक्शन, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और मेरे ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कॉमेंट कीजिए। चलिए मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।